हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान पीटीईटी 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी BMOU कोटा जिन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया राजस्थान पीटीईटी का फॉर द फोर्थ ईयर के लिए फॉर बीएससी बीएड बीए बीएड और टू ईयर बीएड कोर्सेज फॉर 2024 और 2025 के लिए। इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 6 मार्च 2024 को स्टार्ट हो जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट है www.pteetvmou2024.com। इनका जो एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं 9 जून 2024 को इनका एग्जाम कंडक्ट होगा। कोर्स ऑफर किया जाएगा 4 ईयर 2 ईयर के लिए कोर्स ऑफर किया जाएगा। 6 मार्च 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। एग्जाम डेट है 9 जून 2024। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्जाम मोड है ऑफलाइन। एग्जाम लेवल स्टेट लेवल। एग्जाम का जो टाइप है वो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अभी हम इसके बात कर ले, 6 मार्च से इनका नोटिफिकेशन आउट होगा। 6 मार्च से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट है 31 मार्च 2024 और एग्जाम डेट है 9 जून 2024। अभी हम बात करते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद उनके होम पेज पे आपको दिखेगा, क्लिक करना पड़ेगा बीएससी बीएड बीए बीएड फोर ईयर कोर्स और टू ईयर कोर्स। वहां पे आपको सिंपली नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपको स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरना रहेगा। आप ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इजिली पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें, आप ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इजिली पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजिली पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज फॉर ऑल कैटेगरीज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो आपका ग्रेजुएशन नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए टू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में इन राजस्थान स्टेट। मिनिमम 45% मार्क्स आने चाहिए इन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका आना चाहिए। या फिर आपको बीए बीकॉम नहीं तो एमए एमकॉम आपको करना पड़ेगा तो भी आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल नंबर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑफलाइन मोड में होता है, पेन और पेपर के बोर्ड में होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो होता है मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 600 मार्क्स का होता है। जो पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज में पूछा जाता है जो क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट वन जो होता है मेंटल एबिलिटी होता है 50%, 150 मार्क्स। पार्ट टू टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड 50%, 150 मार्क्स। पार्ट थ्री जनरल अवेयरनेस 50%, 150 मार्क्स। पार्ट फोर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 50%, 150 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन और 600 मार्क्स का होता है। अभी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अभी हम इसके रिगार्डिंग हमको भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको न्यू वीडियो की तरफ आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।